dear students, this is your English teacher Ms. Mehak Fatma, and today we are going to discuss about, this is our lecture about nouns, and we will discuss about nouns and their kinds. But before discussing about nouns, let me give you some kind of introduction about how to make your copy. Students, so let me show you your English language copy. Aapki English language copy डबल सिंगल लाइन कॉपी होगी, ठीक है, इस तरह से थिक कॉपी होगी आपके पास. आफ्टर दैट आपने यहाँ पे अपना पूरा बायोडाटा प्रॉपरली लिखना है, एंड इसके बाद आपने जब आप ओपन करेंगे कॉपी, योर कॉपी विल बी लाइक दिस. इंडेक्स, प्रॉपर इंडेक्स बनाना है आपको स्टूडेंट्स, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रॉपर इंडेक्स आएगा. आफ्टर दैट पेज टर्न करेंगे, सेकेंड इंडेक्स का पेज आएगा. इसके बाद आपका जो पेज आएगा, यू हैव टू राइट बायोडाटा, ठीक है. बायोडाटा में आपके पास आपका नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, CGR नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 2 एंड योर कैंपस आएगा, ठीक है. पेज नंबर्स लिखना मत भूलिएगा ताकि आपको प्रॉपर काम हो. आफ्टर दैट आपने फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाना है. फर्स्ट टर्म के टाइटल पेज के बाद सिलेबस आउटलाइन आएगी. सिलेबस आउटलाइन, गर्ल्स आपने सिलेबस आउटलाइन की हेडिंग डाल के जस्ट आउटलाइन के पेज को स्किप कर देना है, क्योंकि ये टीचर आपको प्रोवाइड करेगी बाद में जब आप स्कूल आ जाएंगे. आफ्टर दैट आपने नाउंस की टाइटल पेज बनाना है, ठीक है. नाउंस का टाइटल पेज बनाने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग हियर. बस अब यहाँ पर नाउंस के टाइटल पेज के बाद आपने छोड़ देना है. अगर हम एक्सरसाइज, मैं आपको होमवर्क जब दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इज इट कॉपी वर्क और बुक वर्क, ठीक है. तो फिर आप कॉपी वर्क होगा तो यहाँ पे कीजिएगा, एंड अगर वो नहीं होगा तो फिर आप बुक में ही कीजिएगा. और मेक श्योर कि फिर आप यहाँ पे टाइटल पेज के नीचे आप पेज नंबर के साथ लिख दें कि यू हैव डन इन बुक, ठीक है. यहाँ तक आपका कॉपी मेकिंग का काम कंप्लीट हो गया है. We are going to shift on our first topic, that is about noun. आपके book का भी first chapter noun होगा, and I know आपके पास अभी course नहीं होगा, so no need to worry about that thing. मैं भी आपके साथ screen share करूंगी, तो आपके लिए clear हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा topic पढ़ रहे हैं, ठीक है. So no need to worry about that thing. अच्छा, nouns की जब बात करते हैं तो nouns एक ऐसा topic है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा. एक जैसे टीचर पूछती है व्हाट इज नाउन, आप कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है. वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली अ नाउन, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि बहुत इजी है, हमने बचपन से किए हुए हैं. आप लोग 1-2 क्लास से नाउन की काइंड्स कर रहे हैं, बढ़ते 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 वो और ज्यादा आती जाती है ताकि हम लोगों को याद रह जाए, ठीक है. मैं वर्बली डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ नाउन की काइंड, एंड देन वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द बुक. नाउन, नाउन की काइंड्स क्या हो सकती है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, आपके पास काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, एंड आपके पास मटीरियल कलेक्टिव नाउन, ठीक है. बहुत सारी काइंड्स, काइंड्स नाउन को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इनकी इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने होमवर्क पे जाएंगे, ठीक है. ठीक है, आपके पास नाउन्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स आपके पास काइंड्स दी हुई हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है. नाउन्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. यहाँ पे आपके पास लिखा है नेम्स ऑफ अ क्रिएचर, प्लेसेस, थिंग्स, फीलिंग्स और क्वालिटीज, ठीक है. अच्छा, नाउन को फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. वन इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन हमारे पास क्या होते हैं, जर्नल नेम्स, फॉर एग्जाम्पल सेल फोन, फॉर एग्जाम्पल टेबल, फॉर एग्जाम्पल डोर, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, ठीक है. एंड प्रॉपर नाउन आपके पास स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, किसी के प्रॉपर स्पेसिफिक नेम्स, ठीक है. फॉर सपोज आपके पास आईफोन, फॉर सपोज आपके पास अगर हम बात करें तो कराची, अगर हम देखें तो क्वेटा, इस्लामाबाद, अमेरिका, लंदन, ठीक है. या आप नेम पे ले लें तो अली, फातिमा, जहरा, दीज आर प्रॉपर नाउन्स. Okay, further, common noun is also divided into 2 parts, countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns कौन से होते हैं, ऐसे nouns के जिन्हें हम count कर सकते हैं, numbered as singular or plural. जबकि uncountable nouns जो आपके पास होते हैं वो cannot be numbered, आप उन्हें count नहीं कर सकते.
Countable noun is further divided into two parts and uncountable also divided into two parts. दोनों same है concrete and abstract. ठीक है, concrete noun हम किसे कहते हैं? Can be experienced through any of the five senses. आपके five senses के through आप उसे experience कर सकें, आप उसे touch कर सकें, आप देख सकें. That is concrete noun. ठीक है, for example, boy, paper, shoe, slipper, सैंडल्स, इरेजर, ये सब आपके पास कॉन्क्रीट नाउन है. जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया, कोई क्वालिटी, कोई फीलिंग, दैट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. रिमार्क्स, होप्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, ये सारी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है. ठीक है, अगर हम इसे अनकाउंटेबल और काउंटेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें आप काउंट कर सकते हो और जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. जबकि अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप वाटर को देख सकते हैं, वाटर को टच कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट काउंट वाटर. आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल शुगर, आप शुगर को देख सकते हैं, यू कैन टच शुगर, यू कैन नॉट काउंट शुगर. इट मीन्स वो कॉन्क्रीट नाउन तो है बट वो अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन है. अगर इसी के आप ऑपोजिट देखें तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स अगर आप लेते हैं तो दैट इज कॉन्क्रीट नाउन बट एज वेल एज दैट इज काउंटेबल एज वेल. ठीक है, वो काउंटेबल भी है और वो कॉन्क्रीट भी है. इसी के साथ अगर आप ऑयल देखें तो ऑयल आपके पास सैंड हो गया, ऑयल हो गया, ये आपके पास काउंटेबल नाउन्स नहीं है जबकि ये कॉन्क्रीट नाउन्स हैं. अगर इसी में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जाएं तो हैप्पीनेस, विजडम, जॉय, ये सब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. यू कैन नॉट सी देम, यू कैन नॉट टच देम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, बट आप उसे फील कर सकते हैं, आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, फर्दर मोर हमारे पास थ्री मोर काइंड्स हैं, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड कंपाउंड नाउन. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स. ठीक है, किसी भी चीज़ का ग्रुप, अगर आप बहुत सारे सेम नाउन्स को आपस में कंबाइन कर दें, एक साथ एक ग्रुप में ले आएँ, तो वो आपके पास कलेक्टिव नाउन बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है पैक ऑफ वुल्व्स. जब बहुत सारे वुल्व्स एक साथ जमा हो जाएँ, सो दे विल बी पैक ऑफ वुल्व्स. बंच ऑफ कीज, आर्मी ऑफ एन ऑफ एंट्स. ठीक है, अच्छा, मटीरियल नाउन आपके पास क्या होता है? मटीरियल यूज टू मेक डिफरेंट थिंग. मटीरियल्स ऑब्वियसली, जैसे हमें पता है कि मटीरियल किसको कहते हैं? जो दूसरी चीज़ों को बना सके. तो मटीरियल नाउन इज ऑल्सो लाइक दैट, के उससे मिलके दूसरे नाउन बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, वुड, ग्लास, जो ग्लास मटीरियल होता है जिससे विंडोज बनती हैं. ठीक है, ये मटीरियल नाउन है. अच्छा, कंपाउंड नाउन पे आएंगे. सबसे इजी कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन्स आपके पास क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स मींस मल्टी वर्ड नाउन्स. आप शुरू से बचपन से हम लोग पढ़ते हैं दैट कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं. जब दो वर्ड्स आपस में कंबाइन होके बने, दैट विल बी कंपाउंड नाउन. जब भी दो वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग शुरू से एक एग्जाम्पल आपको आती है, कप प्लस बोर्ड, कबर्ड. ठीक है, दो डिफरेंट वर्ड्स थे बट वो जब आपस में कंबाइन हो गए, आपस में मिल गए, तो उन्होंने एक नया वर्ड बना दिया. फॉर सपोज आपके पास जैसे हेयर कट, स्विमिंग पूल, ग्रेट ग्रैंड मदर. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज नाउन्स, सो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो हेयर आर एग्जाम्पल्स आर कॉमन नाउन बाइक, प्लांट्स, फर्नीचर, प्रॉपर नाउन अली, फातिमा, इस्लामाबाद, यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा. काउंटेबल नाउन्स हमारे पास बॉटल, फैन, बस. जबकि अनकाउंटेबल हनी, वाटर, एयर. अच्छा, आप काउंटेबल नाउन को वही काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, बट अनकाउंटेबल नाउन को आप मेजर कर सकते हो. ठीक है, मेजरमेंट तो हो सकता है बट काउंटिंग नहीं हो सकती, नंबर्स में काउंटिंग आप नहीं कर सकते. इसके बाद हमारे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अ स्लॉट ऑफ बियर्स, एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स एक्सेट्रा. मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं हमारे पास? ग्लास, वुड, सीमेंट एक्सेट्रा. कंपाउंड नाउन्स काउबॉय, फुल मून, क्लासमेट एक्सेट्रा. एंड देन कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल में हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं टेबल, फ्लावर्स, कूलर्स. इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास काउंटेबल में फीलिंग्स, होप्स. कॉन्क्रीट नाउन की अगर बात करें तो अनकाउंटेबल में हमारे पास ऑयल, हेयर, राइस एक्सेट्रा. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अनकाउंटेबल हैप्पीनेस, फन एक्सेट्रा. ठीक है, आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर फॉर यू. एंड आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दूसरी एग्जाम्पल्स भी अपने पास रेडी कर सकते हैं. ठीक है, एंड हियर योर होमवर्क इज, यू हैव टू डू एक्सरसाइज डी पेज नंबर 4 इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी. ठीक है.
So here exercise is identify the nouns in these sentences and classify them. आपको इन सेंटेंसेस में से नाउन को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन्हें क्लासिफाई करना है कि वेदर दे आर कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कंपाउंड नाउन और एल्स दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एंड इफ दे आर काउंटेबल देन कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, ये सब करना है. वी विल डू एक्सरसाइज 1 to 7 राइट नाउ एंड देन 8 to 15 आप खुद से करेंगे. ठीक है, अच्छा चलें, लेट्स डू सेंटेंस नंबर 1. People should be more careful and stop using materials. ठीक है, यहाँ पे I have done this sentence for you. के people should be more careful and stop using plastic. यहाँ पे people क्या है हमारे पास common noun and plastic हमारे पास material noun है. इसी तरह से we will do sentence number 2, that is the army has 20 battalions. Each battalion has 50 soldiers. ठीक है, इसमें आपके पास army is a noun. Okay, battalion is a noun, battalion again is a noun, and soldier is a noun. Sentence number 3 is the legs of the table are made of iron while the table top is made of wood. Isme my best nouns hai legs, table, iron, tabletop, wood. Theek hai? After that, sentence number 4 is Zaza, my golden retriever, gave birth to a litter of puppies. ठीक है, अब इसमें हमारे पास नाम कौन कौन से हैं? Zaza, golden retriever, birth, litter of puppies. ये सारे हमारे पास क्या हैं? Nouns हैं. ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस इज द व्हाइट स्नो कवर्ड द ग्रीन लॉन. White snow, इसमें आपके पास स्नो कॉमन नाउन है एंड लॉन भी हमारे पास नाउन है. ठीक है, 62 सेंटेंसेस. बासित अली वॉज अपसेट वेन द बॉल हिट द गोल पोस्ट एंड वेंट आउट ऑफ द ग्राउंड. बासित अली, बॉल, गोल पोस्ट, ग्राउंड, दीज ऑल आर नाउन्स. सेंटेंस नंबर 7 इज I was going to watch the blockbuster movie with my friends when it started to rain heavily. Here our nouns are movie, friends and rain. ठीक है, इसके बाद सेंटेंस नंबर 8 से सेंटेंस नंबर 15 तक यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ. अब आपने करना यह है कि जो 1 से लेके सेंटेंस नंबर 7 तक हमने नाउन्स को डिस्कस किए हैं, अब इसकी क्लासिफाई आप खुद करेंगे. कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा कंपाउंड नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये सब आप खुद लिखेंगे. ये सब कॉपी में होगा. ठीक है, आपका होमवर्क आपकी कॉपी में होगा. सो डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क प्रॉपरली. आपने अपना काम बहुत प्रॉपरली करना है, नीट एंड क्लीन करना है. और इसके बाद हेयर आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर एंड आई होप कि आपके लिए सब कुछ क्लियर होगा. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़ एंड वंस अगेन स्टे सेफ.